प्लीज चेक द इंग्रेडिएंट्स लिस्ट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं हलवा पूरी के साथ खाने के लिए पूरी, या आलू चने के साथ खाने के लिए पूरी, या आलू के साथ खाने के लिए पूरी। इसके लिए मैंने लिया हुआ है तकरीबन 1.5 कप जितना मैदा। मेरी रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, मैंने 1 टीस्पून लिया हुआ है। इसको हमने गूंदना है नीम गर्म पानी के साथ, और एंड में जब ये गूंद जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर मिलाएंगे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल इसको मिक्स करने के लिए। सबसे पहले हमने मैदे में 1.5 कप जितने मैदे में ये सारी चीज़ें डाल देनी है, और इसको पहले मैं मिक्स कर लूँगी। अब हमने नीम गर्म पानी डाल के इसको गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको गूंदेंगे। ये देखिए हमारा आटा इतना सॉफ्ट गूंद चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब ये हमारा ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होगा, बिल्कुल सॉफ्ट सा ये गूंदा हुआ है। अभी और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालती तो ये थोड़ा लिक्विड ही हो जाता, मगर ये इस तरह का होना चाहिए ताकि हाथ से अच्छे से इसकी पूरियाँ बन जाए। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी, और तकरीबन इसको कवर करने के बाद 1.5 से 1.25 घंटे तक इसको मैं रेस्ट दूँगी। तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने जिसके अंदर हमारे बॉल्स बना के रखने पेड़े पूरी के लिए, इसको भी मैंने ग्रीस कर दिया है, और इसको अब मैं दोनों हाथों पे ऑयल लगा लूँगी। इसके अंदर हमने ड्राई मैदा नहीं यूज़ करना है, इसी तरह से आप पेड़ा बना लें और इसको रखते चले जाएँ राउंड करके इस तरह से। जब आप इसका पेड़ा बनाएंगे तो इसको बिल्कुल अच्छे से स्मूथ करना है आपने। हाथ पे चाहे तो हाथ पे बना लें, या नीचे चाहे तो आप नीचे बना सकते हैं इस तरह से। ऑयल लगा के हमने ड्राई मैदा नहीं लेना है। ये देखें इस तरह से, तो फिर ये एंड में हो जाएगा जब हम पूरी इस तरह से लगाएंगे, जब ये हो जाएगा। ये सारे मेरे पेड़े रेडी हैं, इसको मैं 1/2 घंटे इसी तरह से रेस्ट दूंगी, इसके बाद मैं इसकी पूरियां बनाऊंगी। इसके ऊपर मैंने पहले ऑयल ग्रीस कर लिया है। आप चाहे तो डायरेक्ट वर्कटॉप पे भी कर सकते हैं, चाहे हाथ से कर ले, या आप जो पतला होता है रोटी बनाने का उसके ऊपर बेलन से करना चाहे बेलन से, हाथ से करना चाहे हाथ से, मगर हाथ से ज़्यादा ईजी रहेगा क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट है। इस तरह से करके जितना आपको बड़ा छोटा चाहिए उस तरह से, और फिर इसको बिल्कुल गर्म ऑयल में फ्राई कर लेंगे हम, तो ये रेडी हो जाएगा। ऑयल मेरा बिल्कुल गर्म है, इसमें डालूंगी मैं हमने फुल फ्लेम पे ही करना है। ये रेडी हमारी पूरियाँ, इसको मैंने चने आलू की सब्ज़ी के साथ सर्व किया हुआ है। आई होप आप ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर से पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।